चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की एसबीआई को फटकार। सीजीआई ने कहा कि एसबीआई को पूरे डेटा का खुलासा करने को कहा था, बॉन्ड नंबर की पूरी जानकारी क्यों नहीं दी गई। सीजीआई ने कहा कि सभी एसबीआई के बॉन्ड पर चुनिंदा जानकारी नहीं दे सकता है। एसबीआई के वकील ने कहा कि हमारी गलत छवि बनाई जा रही है, हम पूरा डेटा देने को तैयार हैं। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसबीआई को डेडलाइन 21 मार्च तक चुनाव आयोग को दे पूरी जानकारी। ईसी करे पब्लिश, एसबीआई को कोर्ट में हलफनामा भी देना होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किया नया आंकड़ा। 2017 से लेकर 2024 के बीच बीजेपी को 6000 करोड़ से ज्यादा का बॉन्ड मिला है। कांग्रेस को भी मिला है 1300 करोड़ से ज्यादा का बॉन्ड। तेलंगाना में पीएम मोदी का राहुल पर अटैक, कहा कि कोई शक्ति के विनाश की बात कैसे कर सकता है, माता बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। पीएम मोदी बोले, विपक्ष की लड़ाई शक्ति के खिलाफ, और मेरे लिए हर महिला मेरे लिए माँ और हर बेटी शक्ति के रूप, देश में माँ बेटी का आशीर्वाद मुझे मिला है। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने तेलंगाना को एटीएम बनाया है, तेलंगाना में कांग्रेस वादे क्यों पूरे नहीं कर रही है, अब की बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने दिया इस्तीफा, पुडुचेरी के एलजी के पद से भी छोड़ा, लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आप नेता सत्येंद्र जैन की बेल खारिज की, अंतरिम जमानत पर बाहर नहीं आ पाएंगे अब सत्येंद्र जैन। मेडिकल ग्राउंड पर 9 महीने से ज्यादा से जेल से बाहर है सत्येंद्र जैन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सरेंडर करना होगा। आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आपने ईडी के समन को गैरकानूनी बताया, कहा कि जब कोर्ट से केजरीवाल को पहली बेल मिली हुई है तो बार बार समन क्यों भेजे जा रहे हैं। केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला केस में भी 9वां समन मिला है, ईडी ने 21 मार्च को तलब किया है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, केजरीवाल ने दिल्ली में ये इतने घोटाले, जांच की डाल लेनी चाहिए, आदत एजेंसी कब तक भागते रहेंगे। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद आप नेता संजय सिंह 19 मार्च को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने इजाजत दी है। आज दिल्ली में होगी यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे मौजूद। 25 सीटों पर प्रत्याशी के नाम पर होगा मंथन। सीएम योगी से मिली मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, बीजेपी ने शिष्टाचार भेंट बताया लेकिन किसी सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें। लखनऊ में सीएम योगी से मिले ओम प्रकाश राजभर, बेटा अरविंद राजभर भी साथ, घोसी सांसद उम्मीदवार भी है अरविंद राजभर। ओम प्रकाश राजभर बोले, राहुल गांधी चुनावी रिजल्ट जानते हैं, इसीलिए पहले ही ईवीएम पर खड़े कर रहे हैं सवाल, अखिलेश ने भी चुनाव से बनाई है दूरी। बिहार में एनडीए के घटक दलों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर जल्द लग सकती है मोहर, सीएम नीतीश कुमार आज रात बैठक के लिए पहुंचेंगे दिल्ली। बिहार में कैबिनेट विस्तार से कुछ बीजेपी विधायक नाराज, पटना में विधायक राजू सिंह के घर रखी गई है डिनर पार्टी। मिश्री लाल यादव बोले, विधायकों से ज्यादा एमएलसी को तरजीह दी गई है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बोले, पशुपति पारस के साथ उनके घर का भी वोट नहीं, मुकेश सहानी अपने समाज के नेता, हम उनका इंतजार क्यों करेंगे। सारण सीट से ईडी अलायंस की कैंडिडेट हो सकती है रोहिणी आचार्य, जन विश्वास महारैली के दौरान रोहिणी का परिचय कराया गया। आरजेडी नेता सुनील सिंह ने पोस्ट कर लालू से की मांग, रोहिणी आचार्य को सारण से दिया जाए लोकसभा का टिकट, ये कार्यकर्ताओं की इच्छा। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बोले, सारण में राजवीर रूड़ी के सामने नहीं टिकेंगी रोहिणी आचार्य, लालू यादव को भी हरा चुके हैं रूड़ी। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बनी सहमति, सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट 22, कांग्रेस 16 और शरद पवार की पार्टी को 10 सीटें मिली हैं। बारामती में श्रीनिवास पवार ने छोटे भाई अजित पवार की आलोचना की, कहा कि शरद पवार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इस उम्र में उन्हें छोड़ना गलत। संजय राउत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बताया देश का नेता, कहा कि राहुल गांधी में अगला प्रधानमंत्री हम देखते हैं। अशोक चव्हाण का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा कि उनके बयान में कोई सच्चाई नहीं है, ना मेरी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई ना ही मैंने कुछ कहा। अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे के कविता, दिल्ली शराब पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने अरेस्ट किया है। गवर्नर आर एन रवि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तमिलनाडु सरकार, पोनमुड़ी को मंत्री बनाने से इनकार के खिलाफ लगाई याचिका। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, आर्म्स लाइसेंस केस में मिली है बेल। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान माँ कामाख्या मंदिर पहुंचे। बिहार में तीसरे चरण का शिक्षक बहाली परीक्षा अब तक कैंसिल नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग की सफाई, अभी नहीं मिले पूरे सबूत। इंडियन नेवी का 20 समंदर में बड़ा ऑपरेशन, 35 समुद्री लुटेरों को पकड़ा, 3 महीने पहले जहाज को किया गया था हाईजैक। कोलकाता में बोले केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, मैं सीए के तहत करूंगा अप्लाई, इस बिल के खिलाफ कुतर्कों को दूर करने के लिए करूंगा आवेदन। सीए पर बोले गुरुद्वारा श्री अर्जन देव जी कमेटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह बोले, 1991 में अफगानिस्तान से आए थे, अभी तक नहीं बने दस्तावेज, सीए से समस्याएं होंगी खत्म। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली बात पर टीचर की हत्या, बोर्ड परीक्षा की कॉपियों को लेकर पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे टीचर, सिपाही ने विवाद के बाद बरसाई गोलियां। कोलकाता में 5 मंजिला इमारत गिरने से 4 की मौत, ममता बनर्जी ने घटनास्थल का किया दौरा, रेस्क्यू के काम का लिया जायजा।
दक्षिण कोलकाता के यूनिपोन अस्पताल पहुंची सीएम ममता बनर्जी। इमारत हादसे में घायल लोगों को लिया हालचाल। बिहार के खगड़िया में दर्दनाक हादसा, कार और ट्रैक्टर की टक्कर, हादसे में कई लोगों की मौत। अजमेर में मदार स्टेशन के पास साबरमती आगरा एक्सप्रेस डीरेल, इंजन के साथ चार कोच पटरी से उतरे, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मौके पर पहुंचे रेल कर्मचारी, ट्रेन से चार कोचों को किया गया अलग, दूसरे इंजन के साथ एक्सप्रेस ट्रेन को आगे रवाना किया गया। सांप के जहर की तस्करी वाले मामले में यूट्यूबर एल्विस यादव गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। नोएडा पुलिस की पूछताछ में एल्विस यादव ने स्वीकारा, पार्टी में मंगवाता था सांप और सांपों का जहर, सूत्रों के हवाले से खबर। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर कस्टम को सफलता, सिंगापुर से आए यात्री गिरफ्तार। 26 लाख से ज्यादा कीमत के 410 ग्राम गोल्ड बरामद। भोपाल में IIT इंजीनियर का कमाल, बनाई कमांड पर चलने वाली रोबोटिक कार, बिना ड्राइवर के ट्रैफिक में चलती है कार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जबरावान इलाके में लगी आग, देखते ही देखते बड़े इलाके में आग फैली, आग बुझाने में जुटा प्रशासन।